और कुछ? कुछ नहीं सर। और क्वेश्चन नंबर टू किसका डाउट है? क्या मेरा प्रॉब्लम है इसमें? इसका ऑप्शन ए लग रहा था मुझे, लेकिन ऑप्शन बी नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये केस आपका एक्सेप्शन है और आपको इसे याद रखना है। आपको शायद पढ़ाया हुआ तो बताया भी हो। हाँ सर, लिखवाया था नोट्स में अलग से। क्वेश्चन नंबर 15 किसका डाउट है? मेरा है सर। देखो आपको बताया था KW टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब नीचे जो रेंज गिवन हो, देखिए आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो नीचे जो KW की वैल्यू लिखी है वो कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नेगेटिव पावर है। ज्यादा हो रही कि कम हो रही? अरे सब 10^-14 ही है ना। एक मिनट को, कौन सा ज्यादा है इसमें से? 0.1 वाला। ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? बोलिए। 0.1 वाला सर। और नीचे टेबल को जरा चेक करके बताइए कि वैल्यूज कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? ज्यादा ही हो रही है सर। हाँ सर, सब 10^-14 ही है। हाँ, ज्यादा हो रही है तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो और ये वैल्यूज ज्यादा हो रही है, तो उसका मतलब प्रोसेस कैसा हुआ? बोलिए। एक्सोथर्मिक सर। नहीं, इसका डाउट है वो उसको पूछ रहा हूँ मैं। एक्सोथर्मिक है समझा? तनिष पहले तुम कौन से बैच में थे? येलो हाउस में ही था। हाँ, फाउंडेशन बिल्डर से येलो हाउस में आया था नवंबर में ऐसा कुछ। ऐसे स्विच क्यों किया तुमने? सब लोग आए हैं। सब लोग आए, कोई पार्टी? फाउंडेशन सर, फाउंडेशन बिल्डर से येलो हाउस में सब लोग शिफ्ट हुए। ऐसा कोई रीजन रहेगा ना कि क्यों ऐसा शिफ्ट हुए? सर मतलब ये हाउस पहले फाउंडेशन बिल्डर था, अभी येलो हाउस बन गया जब ये हुआ था। आज का बैच में बच्चे कम है क्या? नहीं सर, इतना ही रहते हैं। नहीं होते हैं। नहीं है। सर एक्चुअली अराउंड 40 है सर, 40 या 40 है। अच्छा, कुछ लोग एब्सेंट है। ओके, 15 क्लियर हो गया ना? यस सर। 17 देखो, KW at 100 degrees Celsius, V itna. If an aqueous solution at this temperature, pH is 6, its nature will be.
देखो 5.5 10 टू द पावर माइनस 13 kW की वैल्यू, इसको किसका डाउट है ये सर? मेरा जरा ध्यान से समझना, 1 into 10 to the power minus 14 at 25 degree Celsius होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला। तो 10 to the power minus 7 क्या होता था? न्यूट्रल। हाँ सर, बराबर है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं इन शॉर्ट कि लेस देन 7 अगर आया तो एसिडिक, मोर देन 7 आया तो बेसिक, और 7 आया तो न्यूट्रल। ये हमारा स्टैंडर्ड वाला। अब की बार उन्होंने डेटा चेंज किया, उन्होंने बोला कितना है 5.5 into 10 raised to minus 13 5.5 into 10 to the power minus 13 at 100 degree Celsius per kW है हमारा, ओके। अब आप मुझे बताओ कि न्यूट्रल किस पर होगा, तो इसका जस्ट हाफ, इसका जस्ट हाफ कितना होगा बोलिए? अरे इसे हटा देते हैं, 2.75 अच्छा उसका 6.5 हाँ सर, 6 से ज्यादा पे न्यूट्रल होगा या 6 से कम पे न्यूट्रल होगा? सिक्स से कम पे सर। ध्यान से देख लो। हाँ सर, 6 से ज्यादा पे होगा क्योंकि 10 रेस टू माइनस 13 पे 6 से। माइनस 13 पे काम करो ना, माइनस 14 बना देते हैं या माइनस 12 बना देते हैं, क्या करें? माइनस 12 बना दे कि माइनस 14 बना दे? माइनस 14 बना दो सर। तो माइनस 14 बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? 0.55 इंटू 10 रेस टू। अब ध्यान से देखो, अगर ये 0.55 नहीं होता तो न्यूट्रल 7 पे होता कि नहीं होता? यस सर। अब 7 से कुछ कम होगा तो मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ कि 6.5 पे न्यूट्रल होगा। हाँ सर, तो 6 से तो एसिडिक। तो 6 क्या होगा? एसिडिक। यस सर। 6.5 से नीचे एसिडिक और 6.5 के आगे बेसिक। क्लियर हुआ? यस सर। वो केवल ना डेटा इस तरीके से दिया है कि थोड़ा आपको कैलकुलेशन के लिए सोचना है और कुछ भी नहीं। कुछ कॉपी करना है तो करो, मैं इरेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो। सर दोगे ना आप? नहीं नहीं जरूरी थोड़ी ना, अपने अपने डाउट्स नोट भी करो। मैं हटाऊं? एक मिनट। हाँ सर हटा दो। किसका डाउट है ये सर? मेरा है। ये ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग ने क्लास में किए थे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखो पीएच एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसे एच आयन में बदलना पड़ेगा। 10 टू द पावर माइनस 1 50, 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 50 इंटू एन, ये हमें करना है। चलो सॉल्व। अब इसको क्योंकि पावर डिफरेंट है तो पावर को सुटेबल बना दो। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। देख लो 5 into 10 to the power minus 2 लिख सकते हैं या नहीं? Minus 1 लिख सकते हैं। सर 5 ही आएगा सीधा। 50 into 10 to the power minus 1, 5. सीधा 5 है सर। सम करो कितना आ रहा है? 5.05. पक्का? 5.5 सर। ठीक है, divided by 100. इसे क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं? यस सर। ये एच आयन आ गया, पीएच चाहिए है, माइनस लॉग
देखो इसको अभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लॉग लेना है तो अभी अपन ट्रिक से कर लेते हैं, ये अगर नहीं होता तो आंसर टू आता, हाँ सर, और अगर ये है तो कुछ कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा सोच के बोलो, ज्यादा ज्यादा कैसे होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, कम 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 सॉरी, तो अभी अगर हम इसे 5.5 की जगह के 5 ले लें तो log 5 कितना होता है 0.69, तो कुछ इतना सब्ट्रैक्ट होना चाहिए 2 में से, कौन सा आंसर हो सकता है 1.26, देखो ये मैं जुगाड़ से कर रहा हूँ, मैं अदरवाइज आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लॉग लेना आपको आता नहीं है बहुत सारा, बहुत ध्यान से करिए इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत इजी है लेकिन वो लॉग लेना आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, कुछ कॉपी करना है मैं रेस करूं सर, कर दो23 compound is not a Lewis acid. देखो हमने आपको लिखाया था Lewis acid मतलब electron deficient. और Lewis base मतलब electron rich. और हमारे पास जो electron rich है हमको मतलब देख ही रहा है, अगर आप ध्यान से देखें नाइट्रोजन के किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो होता ही, अगर लोन पेयर है तो NF3 Lewis base हो गया. हो गया क्वेश्चन, आंसर सी हो जाएगा, इसका डाउट था समझा कुछ भाई? यस सर. 25 द एसिड सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, 1000 टाइम डाइल्यूटेड, जब भी डाइल्यूटेड की बात की जाए तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होता है, आपका इनिशियल पीएच 6 था तो कॉन्सेंट्रेशन 10^-6 और वॉल्यूम भी ले लीजिए, बाद में कहते हैं 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया तो वॉल्यूम हो गया 1000 वी, तो नई नॉर्मेलिटी क्या होगी वो निकाल दीजिए आप, वी से वी कट गया तो एन कितना आ जाएगा 10^-6 अपॉन 1000 यानी 10^-9 आ गया. अब आप पीएच निकालोगे इसका माइनस लॉग 10^-9 कितना आएगा पीएच भाई, समझा कुछ क्यों भी? यस सर. किसका डाउट था ये? सर मेरा था, पर सर यहाँ पे दिया है कि एसिड है ना तो फिर वो हम लोग 6.96 ले लेंगे ना. हाँ ये एसिड है, 9 पीएच होगा नहीं तो दैट 9 इज गोस टू 6.9 हो गया सर, इसीलिए फिर नहीं यार यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिमाग लगाना है. रेस करो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7 तो दिस सॉल्यूशन सफिशिएंट बेस इज एडेड टू इंक्रीज पीएच 12 द इंक्रीज ओएच एंड कॉन्सेंट्रेशन. किसका डाउट है 26 क्यों भाई? सर मेरा है. क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखो आपको पता है पीएच एडिटिव नहीं होता, हमेशा उसे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना है, 10^-7 है और कितना करना है 10^-12 करना है, अब आप बताओ कितने का चेंज करना है. न्यूट्रल से कहां जा रहे हो बेसिक की तरफ तो OH आयन आपका चेंज हो रहा है,
आपसे पूछा है। समझा सर। To make a solution of pH 12, the amount of NaOH dissolved in 1 liter of solution. देखो normality का formula लगाना है और तो कुछ करना नहीं है. 27W is equal to NeV by 1000. ये formula पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? Guys, formula पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर, नॉर्मेलिटी का बनाइए इसको करके दिखाओ जरा इसको। सॉल्व करिए इसको जरा। ये गिवन है, पीएच से आपको क्या मिलेगा? NaOH है तो OH आयन चाहिए पड़ेगा कि नहीं? क्यों गाइस? अरे NaOH है, पीएच अगर 12 है तो पीओएच कितना हो जाएगा? 2। OH आयन कितना हो जाएगा? 10^-2। तो आपको नॉर्मेलिटी पता है बेटा, आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट आपका 40 है, वॉल्यूम हमें लीटर में दिया है तो डायरेक्ट 1 लिख दो, करो सॉल्व, डब्ल्यू कितना आएगा? गाइस समझा कि नहीं? यस सर। कितना आ रहा है आंसर? 0.4। ठीक है ना? मैं रेस करूं ऊपर से? ये पे ना 100 ml ऑफ एन एक्वस HCl, pH इज 1, 900 ml of distilled water is added to the pH of the resultant solution. Sir, वो 30 है. Sorry, 31. Any compound having the formula. अरे ये देखो, ये तो example कराया हुआ है यार. Amino acid है ये. इसका ये acid H है और इसके पास lone pair है, ये base है. इसीलिए इसका नाम amino acid है. ज्विटर आयन बनाता है, आपको देखो नोट्स में लिखा होगा। इसका पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी लिखा है इधर। इसका डाउट था ये, समझा भाई? हाँ सर समझ। पहले तो आपको वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पता है कि नहीं? आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है, एच आयन गिवन है 10^-7, अल्फा आपको निकालना है, क्या रिलेशन होता है? एच आयन इज इक्वल टू सी अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच आयन अपॉन सी। अब सी होता है कॉन्सेंट्रेशन, बताएंगे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1। अरे पागल हो गए, 1 कैसे हो सकता है? 1 लीटर ऑफ वाटर है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये जो तरीका है ना,
यस सर। तो अभी वेट कितना है, तो वेट तो हमें पता ही नहीं है, वॉल्यूम गिवन है। तो आपको पता है वेट यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है? हाँ सर, और वाटर का डेंसिटी 1 ही होता है, 1 होता है, तो 1/18 हो गया, 1000/18 हो गया ना सर। क्या जी? 1 लीटर 1000 ग्राम। हाँ सर, तो सॉल्व इसको कितना हो जाएगा? पहले इसका तो वो निकालो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 कर दीजिए, सॉल्व करिए। वो आप लीटर में ले रहे हैं तो 1 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 कितना हो जाएगा? (10⁻¹⁰)⁻¹⁰ तो 18 × 10⁻¹⁰ फाइनल बोल दो कितना आ रहा है? इतना 1/18 हो गया। इसके बाद यहाँ फॉर्मूले में रख दो, हो गया। आई थिंक हो जाएगा ना इतने से, 7, 3, 4 लीटर में निकालना है, किसमें यूनिट का ध्यान देना बस, समझा भाई? यस सर। इवन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन याद रखना क्योंकि उसकी जरूरत बहुत पड़ती है। 37 किसका डाउट है? सर मेरा, मुझे बताओगे क्या डाउट है इसमें? बोलिए सर। नहीं है कुछ भी, गलती से बोल दिया। हाँ देखो ना करे ना, मैं नहीं कर रहा हूँ फिर। हाँ सर। 38 बताइए किसका डाउट है? मेरा है। Which of the following is the strongest Lewis base? किसका डाउट है ये बेटा? आपको मैंने एक चीज लिखाई थी सर, अभी आपने बोला वैसे ही ना। हाँ नहीं, इसके अलावा एक और बात, स्ट्रॉन्ग एसिड का ना वीक होता है कॉन्जुगेट बेस। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, HF, HCl, HBr, HI, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये। लेकिन अगर इसका इसका पूछा जाए किसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस किसका होगा? HF। HF नहीं, F माइनस, कंजुगेट बोल रहे हैं ना। यही चीज यहां पर करने के लिए आपको सारे एनायंस दिए हुए हैं ना, तो आपको अगर स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस बेस नहीं समझ में आता तो आप सब में एच लगा दो और बताओ इनमें से एसिडिक कौन सा होगा। बात समझ आई मैंने क्या कहा? सर पर आंसर CH3- दिया। हाँ तो CH4 बन जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है उसके अलावा क्या होना चाहिए? देखो डी ऑप्शन तो वाटर हो गया आउट न्यूट्रल, सी ऑप्शन अमोनिया हो गया बेसिक न्यूट्रल, ठीक। HF, HF याद रखिएगा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता ही नहीं है, HF एसिडिक नेचर शो नहीं करता। रीजन अगर पूछा जाए तो थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग आप याद कर लीजिएगा, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और डाइमर बन जाता है,
तो हाइड्रोजन फ्री नहीं कर रहा ये, तो एसिडिक कैसे हो पाएगा? ओके सर, अंडरस्टूड। ऐसा क्वेश्चन है कि एसएलसी रीजन में भी पूछा गया है। फोर्टी किसका डाउट है? मेरा है सर। देखिए बड़ा मस्त टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इफ दैट ऑफ एन एसिडिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ इक्वल मोलारिटी इज 3.2। मतलब उन्होंने कह दिया कॉन्सेंट्रेशन जो है एसिड इक्वल टू बेस है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि HCl और NaOH दो है, इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो क्या इनका पीएच सेम होगा? नहीं सर। ये देखो ये लिखा हुआ है, अब इसका पीएच बताओ कितना होगा? 2 होगा। और उसका 12। आपने क्या देखा, कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेकिन पीएच सेम नहीं है। तो नीचे देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है मोलैरिटी इज 3.2, तो मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गई। किसकी दी हुई है? एसिड की। तो बेस की कितनी होगी? 10.8 हो जाएगा सर। सबट्रैक्ट कर दो 14 में से। यस सर, 10.8 समझा। है ना? ये तो क्वेश्चन कराया हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? Dilute HCl solution saturated with H2S, pH value. H2S ऐसे ionize होता है? Yes, sir. राइट, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1। लेकिन इसमें क्या है, HCl पड़ा हुआ है पीएच 3 का। तो पहले तो इसका आयनाइजेशन में हमारे पास K1 और K2 दोनों है, तो जरा आप हमको ये बता दीजिए अगर केस पॉलीप्रोटिक का होता है तो K1 और K2 जब आते हैं तो किसको प्रेफर करते हैं हम लोग? K2। नोट्स खोल लो एक बार, देखो जरा पॉलीप्रोटीन में किसको प्रेफर करते हैं? K1 को। ठीक है, अब कॉमन आयन दिख रहा है हमको एसिड पीएच 3 का। तो पीएच अगर 3 है तो एच आयन कितना हो गया? 10⁻³। और आपको क्या निकालना है? ये K1 आपको पता है, हो पाएगा? Yes, समझा ना? ट्राइप्रोटिक एसिड H3A which of the following is true? किसका डाउट है 43 बेटा? मेरा है सर। देखो आपको पता है जैसे जैसे एक एक प्रोटॉन निकलता जाता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट, फिर आपका HSO4 माइनस आयनाइज होगा, ये K1 है,
ये के टू अभी अभी हमने किया, बताइए के वन लेते हैं के टू लेते हैं? के वन। के वन क्यों के वन लेते हैं आप? क्योंकि इसके और इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, अगर हम नोट खोली वहां लिखा होगा हमने इस तरह, राइट। अब इनमें से अगर ये पूछा जाए कि आप के वन को लेते हैं, के टू बहुत छोटा होता है, तो इसका मतलब दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? के वन, ये वाला के वन वाला। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, तो समझ आया? यस। मोनोक्रोटिक एसिड इन ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन आयनाइज को इतना। 47 किसका डाउट है? क्या इसको क्या प्रॉब्लम है? इससे नहीं हो रहा था क्या? अल्फा आपको दिया है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, आयनाइजेशन बताना है आपको। सी आपको 0.1 अल्फा 10^-3 है, परसेंट में है, तो 10^-3/100^2 बस ये करना। समझा कि नहीं? हाँ सर, वो परसेंट से गलत हो रहा। 49 pKa of for acetic acid is इतना, what would be the ratio of acetic acid and acetate ion? 49 सबसे पहले तुमको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है किस चैप्टर से रिलेटेड। तो इट इज एसिडिक बफर, याद आ रहा है? पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यहां से बस फॉर्मूला ही समझना है आपको। आपको देखिए पीकेए 4.74 दिया है, आपसे रेशियो पूछा है, और पीएच 5.74 दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कुछ और भी, इस सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब इसका एंटी लॉग लेना है आपको, तो आपको याद आ रहा है कि नहीं लॉग 10 कितना होता है? 1। तो 1 का एंटी लॉग कितना हो गया? लॉग 10। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू सॉल्ट अपॉन एसिड लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, अब जरा पढ़िए, वो आपसे एसिड बाय सॉल्ट पूछ रहे हैं, एसिटिक एसिड बाय एसिटेट बोल रहे हैं, यानी इसका उल्टा दिख रहा है ना बोर्ड नीचे, तो आपको क्या करना है, इनवर्स करना है, तो 1/10 हो जाएगा। समझा कि नहीं? गाइस क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। किसका डाउट है? मेरा है। अभी तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया था, कॉमन आयन वाला। सर मत करो, देखो ना कॉमन आयन वाला ही है, अल्फा ये अल्फा अल्फा प्लस जो गिवन हो कितना गिवन 0.01, ये आपको पता है, सॉल्व कर दीजिए आप।
याद आ रहा है सर्विलिटी प्रोडक्ट पे हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन कहते हैं कि आपको किसी भी तरीके से वो बाइनोमियल इक्वेशन नहीं बनानी है सर, वो स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। हाँ हाँ बस वही करना है, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देख के पता चला आंसर क्या आने वाला है, केवल पावर चेंज होगी बस। सर बोर्ड पे 57 दिख नहीं रहा, मत करो है तो 57 ना सॉल्व करें। हाँ सर हो गया ठीक है, 56 करना है। यस सर ठीक है। अरे 56 में तो कुछ है ही नहीं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह हो जाता है, क्रिटिकल क्वेश्चन है ये बात, मैंने लिखाई भी है, आप नहीं लिखी तो कहीं लिख लीजिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग 100% होता है तो वीक 100% हो जाएगा, दोनों का पूछा है तो भी 100 ही होगा ना। फिफ्टी एट किसका डाउट है? मेरा सर। हमने एच एन का एक फॉर्मूला पढ़ा था रूट के सी, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। H1, H2, K1C1, K2C2 करो अप्लाई, करो जब अप्लाई फटाफट से। समझ में आ गया ना? हाँ सर। एक सेकंड, ये पूछ क्या रहा है? मैंने तो कुछ और ही कर दिया, रेशियो नहीं पूछ रहा है सर, ये कांस्टेंट पूछ रहा है उसका। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मिक्स करने की बात कर रहा है, एच आई एन पूछ रहा है, K1C1 + K2C2 पूछ रहा है, ये एच आई एन पूछ रहा है सॉल्यूशन का, देख लीजिए ध्यान से जरा, और फॉर्मूला आपके नोट्स में लिखा भी है। ठीक है ना? यस सर। आप चाहिए तो सॉल्व करके देख लीजिए। सर ये फॉर्मूला में पूरे का रूट करते कि एक का रूट प्लस दूसरे का रूट करते? नहीं नहीं एक ही बात है ना, आप तुम दोनों का रूट अलग अलग लो फिर ऐड करो, फर्क पड़ने वाला है क्या? चलो 60 देखते हैं। 2 tablets ऑफ डेस्प्रिन of 1.2 ग्राम ईच आर डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। Given desprin consists 75% desprin. So desprin का weight तो आपको 1.2 gram दे रहा है, लेकिन उसका 75% तो उसमें desprin है, तो जरा 75% निकालो तो आपको weight पता चल जाएगा। अब आपको 0.8 gram क्या जी?
1.8 ग्राम वेट आया एस्पिरिन का। किसका, डिस्प्रिन का कि एस्पिरिन का? एस्पिरिन का। ठीक है, जो भी है सॉल्व करने। आगे आपको कह रहा है एच आयन बताइए। एच आयन क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन जो भी आपका आ रहा है इन वन लीटर 0.9 हंड्रेड इंटू वन लीटर, तो ये हमारा एच आयन आ गया। अब हमको पीएच निकालना है, पीएच के फॉर्मूले में लगा दो। समझ आया? अच्छा दो टैबलेट, एक बात मुझे बताओ, मेरे पास एक HCl है 10.4 का, ठीक है, और दूसरा भी HCl है pH 4 का, तो pH तो 4 ही रहने वाला है, यही बताना चाहते। समझ में आई बात? हाँ सर। पीएच एडिटिव नहीं है, एच आयन भले चेंज हो, ये चेंज नहीं होता। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन मिक्सिंग एसिटिक एसिड जरा क्वेश्चन की तरफ फोकस करें। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया है कि नहीं दिया है? मिलीमोल सेम आएंगे कि नहीं? यस सर। कितना आएगा इसका? 20 20 20 तो सॉल्ट का कितना आएगा? 20 तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया दोनों का वॉल्यूम 100 प्लस 100 200? यस सर। अब ये केस किसका दिख रहा है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कि बफर का? बफर सर का। मार खाओगे तुम लोग अभी। जब एसिड इक्वल टू बेस हो जाता है तो सॉल्ट बन जाता है। कितने सारे क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को? अगर केस बफर है ना, पर तो बफर होगा। आप देखिए एसिड इक्वल टू बेस है कि नहीं, दिखा कि नहीं? अच्छा हाँ सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अभी ये सॉल्ट, अभी सॉल्ट कैसा है जरा देखो। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ सर। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए प्लस लॉग सी, ये होता है। हाँ सर। कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया, पीकेए आपको गिवन है 4.74, कर लो सॉल्व, पीकेडब्ल्यू 14 होता है। तो आंसर मैच नहीं, ये पूछा था अभी भी नहीं मैच कर रहा, मेरा कुछ 9.5 के अराउंड आ रहा है और आंसर 8.87 दिया है। सर उन्होंने लॉग टू की वैल्यू देके रखी है, मतलब लॉग टू आना चाहिए ना शायद यहीं पे कहीं पे। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? 14 प्लस 4.74 प्लस 0.30 वन ही आएगा, टू भी दिया है, से आंसर 9.5 अराउंड आता है। आंसर कितना आ रहा है? 9.57 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ तो रहा यार, 8 के टर्म में ही तो आ रहा है आंसर। मैं तो अप्रोक्सी लिया हूँ, देखो जरा इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये माइनस वन आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो लॉग टू क्यों दिया है? क्या गिवन है
वो तो आपको कंफ्यूज करने वाला डेटा है। आप ये बताओ माइनस वन है, इसे लॉग टेन टू पावर माइनस वन लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर माइनस वन वो आ गया। इसको जरा सॉल्व करो। हाँ सर तो आ गया बराबर। पर गिवन तो तभी रहता है ना जब उसका कोई यूज हो वहाँ पे। हमेशा याद रखो लॉग वॉक की वैल्यूज क्यों है कभी देते ही नहीं। मैं आपसे इतने दिन से क्या बता रहा हूँ, लॉग आपको करना होता है, उन्होंने आपको मन क्यों दिया है? एक मिस्टेक जो हर बच्चा करता, ये यहाँ मैंने वहाँ पे टू कर देता। हाँ सर तो सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में होता, बफर में नहीं होता है। तो जैसे आपने बफर अप्रोच किया था ना, तो आप इसे बफर की तरह सॉल्व करोगे आपका यही आएगा जो आप बोल रहे हो, लॉग को यूज हो जाएगा। यस सर। तो मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले पूछा कि आपने इसे क्या समझा है, बफर समझा कि सॉल्ट समझा? अगर बफर समझोगे तो वो यूज करोगे, सॉल्ट समझोगे तो आगे सॉल्व करोगे, ये डिफरेंस है। कुछ कॉपी करना है तो करो, नहीं तो इरेज करो। मैं कर लो सर। इरेज 2 मिनट।68 किसका डाउट है? हाँ जी। हाँ सर मेरा करना है मुझे। नहीं सर ना करूं, बोलो भाई करना है कि नहीं? नहीं सर समझ गया था जी। 70 करना है क्या? हाँ कि ना? बस इतना चेक करो कि कौन से एसिड में H प्लस डोनर है। 70 क्लियर हुआ? यस सर एक ही ऑप्शन में है। हाँ बस नेक्स्ट 72 किसका है? सर मेरा है। बोल रहा है पीएच 9 आना चाहिए, 9 मतलब सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए। अब आप चेक करो सर बी वाला होगा क्या? एक ही ऑप्शन है बाकी तो होगा नहीं कोई। CaCO3 क्या चीज? नहीं नहीं सर ये वाला होगा। आपको क्वेश्चन में बोला है सेलेबल, तो अगर किसी को CaCO3 लग रहा है तो मैं उससे एक चीज पूछता हूँ कि मार्बल का पीस कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो वाटर सेलेबल होता है क्या? तो बस वो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सर अगर सॉल्युबल नहीं दिया होता और दोनों में कंपेयर करके लिखना होता तो फिर कौन सा लिखा? फिर अपने पास कोई जादू नहीं है। ओके सर पूछा इसीलिए गया कि वो आपको सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी पता है कि नहीं। सर पर CH3CON है वाइट होता है क्या? हाँ हाँ सोडियम एसीटेट। अरे सोडियम के कंपाउंड अभी आपको वो पढ़ाया था मैंने, अभी पढ़ा। हाँ आपको वहां देखो आपको बोला मैंने हर कंपाउंड पे आपको बोला क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड होता है। हाँ सर क्रिस्टलाइन सॉल्युबल और ये तो 3 कॉमन है। अरे अल्कली मेटल बोलते हैं उसको अल्कली इसलिए क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। वो कलर की वजह से रॉन्ग हो गया, उन्होंने क्वेश्चन पूछते समय उनका इंटेंशन ही वही था।
आपको दोनों प्रॉपर्टीज पता है कि नहीं पता? चलो 76 पे आ जाते हैं अपन. कैलकुलेट द पीएच ऑफ Na2S. अच्छा सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, किसका डाउट है ये? बताइए भाई. हाँ सर मेरा है बेटा, Na2S है. ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे, आप जरा एक बार वहां चेक करिए कि पॉलीप्रोटिक के केस में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है कि नहीं लिखाया है. ये सीधा फॉर्मूला है आपसे. देखो आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको और थोड़ा बता दूं. ये Na2S है, ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट है बताओ, है कि नहीं? यस सर. इसका फॉर्मूला पता नहीं है आपको? यस सर मिल गया, सी वाला ऑप्शन है. बस ये. हाँ सर समझ गया. इसमें देखो और भारी कंफ्यूजन कर दिया है आपको, डेटा भी दे दिया और कुछ आपसे फॉर्मूला रहे, तो कोई कोई तो कैलकुलेट करके भी निकाल रहा होगा इसको. नहीं सर पर ऑप्शन में है ही नहीं तो कहाँ से कैलकुलेट कर. वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल अजीब ही क्वेश्चन है, डेटा दिया है पर पूछा फॉर्मूला है. 77 आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ओके, एट 298. ठीक है, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1. देखो जरा 77 मस्त क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए. परसेंट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के एच अपॉन, ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? 1+√KH, ये फॉर्मूला होता है. अब पॉइंट ये है कि के एच कैसे मिलेगा, तो उन्होंने हमें तो वीक एसिड वीक बेस का कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, तो KW/KA/KB कर दो. अब के ए कितना है, दोनों का जितना एसिड का है उतना ही बेस का भी है, यानी के ए इक्वल टू के बी है. तो वो कितना है, 3×10⁻¹. समझ में आया भाई? यस सर. जरा करके देखो तो एक बार इसको सॉल्व करा सकते. हुआ मिनट सर. सर 10⁻⁴/3+10⁻⁴ आ रहा है. पूरा फाइनल आंसर बोलो, परसेंट बताना. हुआ
सर कुछ अजीब ही आ रहा है, 1/30,000 कुछ आ रहा है। हाँ अजीब ही आएगा क्योंकि इतने सारे रूट लेने हैं, अजीब ही आएगा, पर सॉल्व होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सर 78% आ रहा है। 78 आ रहा है, 78 तो नहीं आना चाहिए यार। और मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं भाई। पीएच कितना आया ये बताओ। ये भी ये हो गया 9 × 10⁻⁴। पहले बताओ ये 1/9 आया कि नहीं आया KH? आ गया 1/4 आ गया। आ गया हाँ सर। हाँ कैलकुलेशन बराबर करो जरा, एरेज करो ना सर। क्वेश्चन नंबर 18, the solution will be acidic. 75% आया। अबे 25 उसका 1/4 आ रहा, तुम्हारा 75 आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? सर KH का रूट लेके फिर करना है ना परसेंट। हाँ 1/3/(1+1/3) यानी 1/3/(4/3) 1/4 ही तो आ रहा है। सर मेरा मिस्टेक होगा। हाँ चेक करो कैलकुलेशन। चलो 80 किसका है? Which of the following will be acidic? Because सबका concentration तो equal है। अब CH3C00NA ये तो basic salt हो गया। FeSO4 ये acidic हो गया। Alum मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, acidic है। और ammonium sulphate वो भी acidic है। एक को छोड़ के सब तो ऐसे ठीक है। किसका डाउट है ये? ये क्वेश्चन सबसे पहले लेक्चर आए नहीं किसके विज़न में कराया हुआ है, ठीक है ना? गाइस समझा? यस सर। 81 OH and concentration of 0.1 molar solution of aniline hydrochloride. ये आपका बन गया weak base strong acid salt। आपको OH and पूछ रहा है, तो हमने पीएच का फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ पीकेडब्ल्यू वीक बेस है तो माइनस होगा पीकेबी माइनस लॉग सी, याद आ रहा है? Yes, आपको केबी पता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है, आप पीएच निकाल सकते हैं। Yes, फिर पीएच से पीओएच निकाल सकते हैं और पीओएच आने के बाद ओएच आयन निकाल दीजिए। समझा? और बिल्कुल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वैल्यूज बहुत सिंपल दी हुई है। सर वो एंटीलॉग 0.093 आ रहा है। कहाँ पे? 81 में। एंटीलॉग इसका एंटीलॉग कहां पर बोल रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अरे कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 की मैंने, ये 0.1 है पीकेबी। सर ओएच पूरा तुमने सही किया है इस बात की? हाँ सर। तुम अगर पूरा सही, पीकेबी कितना है ये बताओ? 4 × 10⁻⁹।
गलत है। मैं पूछ रहा हूँ पीकेबी कितना आया, पीकेबी वो तो के है। 9 - log 4 कुछ भी कर रहे तुम, ये करना है तुमको तो 4 हटा दो तो 9 आएगा और 2 log 2 यानी 0.6 अप्रोक्स 8.4 आना चाहिए पीकेबी। आया तुम्हारा सर? वही तो बोला 9 - log 4। अरे पूरा फाइनल बोलो। 8.4 हाँ सर। तो ये आपका 8.4 आ गया, pH 3.3 आ गया और pOH 10.7 आएगा। pH कितना आया? 3.3 आया। तो बराबर है ना? आपको देखो मैं बताता हूँ, pH आपका 3.3 अगर आप इसको 3 ले लें तो pOH कितना आएगा? 11। तो अगर 11 pOH होगा तो OH कितना आएगा? 10⁻¹¹। अब ऑप्शन देखो, क्लोज टू ऑप्शन दो है सर। सर 5B और 2B है, 2 × 10⁻¹¹। पता चला ना 0.3 का वेरिएशन कितना आएगा, 5 तो नहीं हो सकता। जब हम अप्रोक्सीमेट लेंगे तो अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा ना। यस सर 2 आएगा, 2 × 10। यस सर। कैलकुलेशन देखो बहुत स्मार्टली करो, नहीं बहुत प्रॉब्लम आने वाला है कैलकुलेशन का। इरेज कर दो ना। हां सर। 82 सर, 83 मत करना, नहीं कर रहे थे। 2 करना है कि नहीं? नहीं सर, रहने। 2 का भी फॉर्मूला ही पूछा है, 3 भी नहीं करना है। यहाँ पे सॉल्ट का क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना हम लोग, क्यों भाई? हाँ ना, कुछ बोलोगे? यस सर। तो वेट ऑफ सोडियम एसिटेट पूछ रहा है आपको, यहाँ से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है कितना है। एसिड का पता है, पीकेए आपको पता है 1.8 × 10⁻⁵ है, तो पीकेए कितना आएगा? 4.7। देख अब सॉल्ट का आप निकाल लो, एसिड का आपको दिया है, तो जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो क्या होता है, मोल पर लीटर होता है कि नहीं होता है? यस सर। मोल्स क्या होते हैं? वेट आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम 1 लीटर ले लीजिएगा, समझा गाइस? क्लियर है? हाँ सर। सर आपने एसिड में क्या जी क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, समझ गया। 87 pH of buffer solution acid plus इतना भाई, 87 बताएंगे मुझे क्या तकलीफ है? कुछ नहीं सर, वो गलती से बताया। पक्का गलती से ही बताया है? हाँ सर। 87 जरा मुझे सॉल्व करके बताओ, सब लोग जल्दी, जिसने गलती से बताया वो भी सॉल्व करें। करो जरा 87 फटाफट सॉल्व।
हो गया भाई सॉल्व। आया आंसर? बताओ भाई क्या आ रहा आंसर? गाइस सॉल्व किया दानी क्या आ रहा आंसर? 8.23 सर एक सेकंड लास्ट का बाकी है थोड़ा। क्या आ रहा है? 5.23 आ रहा है सर। 5.23 मुझे बताओ क्या वैल्यूज क्या रखनी है? पीके कितना है? 4.75। हाँ सर। सॉल्ट कितना लिया है? 6×10^-2 3×10^-2 6 हाँ 6 क्यों लिया वो बताओ सर। मोलैरिटी दी है और नॉर्मैलिटी से कन्वर्ट करेंगे। एक थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे। मोलैरिटी दी है सर वो ट्वाइस है इसीलिए। हाँ क्योंकि वो 2 times आंसर दे रहा है। हाँ सर। गूगल से आंसर देखो कैलकुलेशन देखो और आंसर बता दो। कौन करता ही है जब ये पता ही नहीं है तुमको कि कहाँ से आया तो भी जबरदस्ती को छाप दिया उठाकर। सर मुझे पता है मैंने बोला ना। नहीं जो भाई हमको नॉर्मेलिटी बता रहे थे हम उनसे पूछ रहे हैं। गूगल से निकालो चिपका दो हो गया। हमको तो समझते ही नहीं है। चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराया था अगर याद हो अमोनियम सल्फेट वाला नोट्स खोल के देख लेना तभी बताया था कि 2 times क्यों करना पड़ता है। चलो 88 पर आते हैं।
88 किसका डाउट है? मेरा क्या प्रॉब्लम? हाँ अडानी, 88 आया तुमको कि नहीं आया? सर मुझे भी नहीं आया था, इसीलिए पूछा मैंने। किसको आया 88? टाइट्रेशन पार्ट था ना, नहीं समझाएंगे इसीलिए मैं 88 अभी छोड़ रहा हूँ, टाइट्रेशन वाला है। 91 A buffer solution contains ammonia and NH4Cl. Total concentration of buffering agent is 0.6. If the pOH of a buffer solution is इतना, calculate ammonia. पीछे दिया ammonia है। ठीक है। इसका doubt है 91? सर मेरा है। देखो बेसिक बफर बोल रहा है, पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है, ये है। हाँ सर। अब टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफरिंग एजेंट इज 0.6, इफ द पीओएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इज 5.05, पीकेबी इज गिवन। सर ये बफरिंग एजेंट का एक बार आप बता सकते हो क्या बोला था आपने? मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने बफरिंग एजेंट आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया। वही सर, मैंने भी पहली बार सुना। हाँ नहीं सिखाया ना मैंने बफरिंग एजेंट, ये आपको किसी भी नहीं बोला होगा आपको ये भी, लेकिन किसी ना किसी को तो आया ही होगा। क्यों भाई 91 है ना? 91 के बाद 92. What will be the final pH if 0.2 mole of NaOH is added to 1 liter of buffer solution? 92 is cut out है? Sir, मैंने। देखिए हमारे पास जो बफर है, अगर ध्यान से देखिए वो ये एसिडिक बफर, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें अगर हमने NaOH डाल दिया तो आप बताइए कि कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ना चाहिए। पहले जस्ट पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का पार्ट नहीं, अलग से पूछ रहा हूँ मैं सर, कि अगर इसमें और NaOH डालते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन पे, किसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और किसकी बढ़ेगी? बता सकते हैं भाई? देखो अगर आप NaOH डालोगे दोनों में तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, और एसिड की डिक्रीज। पहले बताओ इस पे कोई डाउट किसी को? नहीं सर।
समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अब कितना डाल रहे हैं? 0.2 मोल पर लीटर है ना कांगेर? हाँ 0.2 मोल पर लीटर, एक लीटर में है ना। तो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में 0.2 ऐड कर दो और एसिड के कॉन्सेंट्रेशन में 0.2 सब्ट्रैक्ट कर दो। सर तो फिर आपने सॉल्ट के फॉर्मूला में लिखा वहां पे 0.5 आएगा? हाँ जो भी आएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। जो भी है वो सॉल्व कर लेंगे। 92 के बाद 95। हो ना पाएगा। When sodium acetate is added to, बताओ भाई, कह रहे हैं एसिटिक एसिड में अगर हमने सोडियम एसिटेट डाल दिया तो क्या होगा? बताइए पीएच। पहले तो ये बताइए कि अगर हमने सॉल्ट डाला तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा या बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा या क्या बढ़ेगा? बोलिए सर। एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। एसिडिक घटेगा तो बढ़ेगा क्या? बेसिक। बेसिक बढ़ेगा तो बेसिक का बढ़ना पीएच का घटना या पीएच का बढ़ना? पीएच का बढ़ना। अब आप आंसर मैच कराओ तो समझा? यस सर समझा। हंड्रेड में विच आर द फॉलोइंग इज द बफर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर? बताइए भाई किसका डाउट है? हंड्रेड वाला क्वेश्चन मस्त है सर मेरा। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या उत्तर आपसे? सर मतलब बफर सॉल्यूशन पूछ रहे जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया ना? हाँ सर। और ऑर्गेनिक में आपने वो देखा क्या कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन? देखा कि नहीं देखा? सीखा है कि नहीं सीखा अभी? नहीं सर। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचे आप लोग? नहीं सर। पर इतना मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है। वहां पर आपको बताते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये नहीं किया ना अभी? नहीं सर। बस वो वही करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। उतना ही रह गया करने के लिए, तो करोगे वो उतना ही देखना और कुछ देखना नहीं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ, शायद आपको समझ आता है। देखो बोरिक एसिड पे कोई डाउट किसी को? चलो कुछ आपको एग्जांपल बताते हैं फिलहाल के लिए, आपको समझ जाएगा। बोरिक एसिड जो ऑप्शन डी दिख रहा है ना, उस एसिड का यूज जो है अगर आंखों में इंफेक्शन हो जाए तो वॉश करने के लिए करते हैं। क्या लगता है वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा? वीक होगा सर, बेसिक होगा। वरना एक ही बार वॉश कर पाओगे? हाँ सर, फिर बचेंगे, दोबारा के लिए नहीं बचेगा। दूसरा एसिड आपको जो ऑप्शन सी में दिया है दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। आगे चल करके हम लोग एक टेस्ट करते हैं, ठीक है? जो टेस्ट अपने हाथ में किया जाता है पाम के ऊपर, ऑक्सैलिक एसिड का यूज किया जाता है पाम टेस्ट में। पाम टेस्ट में इसके ऊपर एसिड डाल के टेस्टिंग करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि अगर हम पाम पे एसिड डाल रहे हैं तो उस एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा, वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग? वीक होगा सर, मतलब बेसिक होगा। वीक है ना। अब आते हैं सर ऑक्सैलिक एसिड
टोमेटो में भी होता है ना? कहाँ पर? टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है? ऑक्सैलिक नहीं होता, उनके सीड्स में होता है ऑक्सैलेट। अब एसिटिक एसिड को हम विनेगर बोलते हैं, और विनेगर मेरे ख्याल से खाया जाता है, हाँ है ना? हाँ सर। अब बचा एसिड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को पता है फॉर्मिक एसिड क्यों बोला जाता है? तो फिर बहुत खुजली है सर। हाँ, जब वो काटती है तो जो इचिंग होती है ना, इचिंग और जो सेंसेशन आता है वो बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड आता है। तो इतना इनफ है समझने के लिए कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। हाँ सर, बाकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीखोगे ऑर्गेनिक में। अभी क्या कर रहे हैं कि हम इतने पे रोक रहे हैं 100 पे। 100 के आगे का कितना रह गया? ये 1 करोड़ है। 100 के आगे का नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कब है अपना? ये वीक है क्या? नहीं सर, ये सर अगले हफ्ते चलेगा। ठीक है, 100 तक अपना हो गया है। अब क्या करना है, इसको 133 डिस्कस करने के बाद मैं ग्रुप 2 स्टार्ट करूंगा। ठीक है? ओके सर। सर इसका फिर ये थैंक यू सर।